ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है। बिपरजॉय एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। उत्तरी भारत में इस टाइम पर भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच में मोदी जी ने खास अपने भक्तों के लिए एक योजना लॉन्च करने का काम किया। एक ऐसी योजना जो मोदी जी के भक्तों को पूरी तरीके से ठंडा करके रख देगी। अब ये योजना खास इसलिए भी है क्योंकि योजना और कहीं नहीं देखी जा सकती, सिर्फ ट्रेन में और खास तौर से वंदे भारत में देखने को मिलेगी। इस योजना का नाम है ट्रेन के अंदर झमाझम बारिश योजना। जी हाँ, दोबारा सुनिए इसको, ट्रेन के अंदर झमाझम बारिश योजना। इसकी बकायदा एक वीडियो सामने आई है, मजाक नहीं यहां पर कर रहा हूं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अब जहां पर एक तरफ भक्त जो है परेशान है गर्मी से, मेरा उनसे अनुरोध है वंदे भारत की टिकट कटाएं और जाकर इस बारिश का लुत्फ उठाने का काम करें। अब बिना किसी देरी के आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखा आखिरकार किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। भक्तों का सारा प्रॉब्लम एक सेकंड के अंदर सॉल्व करके रख दिया। वाह मोदी जी वाह। जहां पर एक तरफ वंदे भारत के अंदर बारिश तो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चड्डी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अभी भी वंदे भारत की पब्लिसिटी करने पर जुटे हुए हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, रिसेंटली एक चिनफ्लुएंसर, चड्डी इन्फ्लुएंसर को यहां पर मैं चिनफ्लुएंसर बोल रहा हूं, उनका ट्वीट देखने को मिला। इनका नाम है रवि सुतंजनी। इन्होंने ट्वीट करके डाला, 5 वंदे भारत टू बी लॉन्च्ड ऑन June 26, बेंगलुरु टू हुबली, भोपाल टू इंदौर, भोपाल टू जबलपुर, पटना टू रांची, मुंबई टू गोवा। अबे 5 वंदे भारत ट्रेन एक दिन में लॉन्च करके क्या घंटा फायदा होगा, जब ऑलरेडी जो वंदे भारत चल रही है उनका सिस्टम यहां पर ठीक नहीं है, उनके अंदर यहां पर पानी देखने को मिल रहा है। क्या घंटा ही फर्क यहां पर पड़ जाएगा 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर, जब हमारे देश का रेलवे सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है कि आपस में 2 ट्रेनें अगर सेम ट्रैक पर आ रही हो तो उसको डिटेक्ट कर पाए। जरा कितने बेशरम हैं चिनफ्लुएंसर्स। थोड़े दिन पहले बालासोर में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, 250 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये लोग मोदी मोदी करने पर तुले हुए हैं। तरफ जहां पर ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ पड़ा है, अब आगे बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। ये ज्यादा वायरल नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए इसको, अटैक ऑन मणिपुर मिनिस्टर्स होम, मणिपुर मिनिस्टर्स होम सेट ऑन फायर, सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च सर्च ऑपरेशन। मणिपुर में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि मंत्री के घर में आग लगा दी जाती है भीड़ के द्वारा। सोचिए कितनी बुरी वहां पर हालत हो चुकी होगी, लेकिन हमारे देश की मीडिया इसके बारे में अभी तक भी एक डिस्कशन एक डिबेट करके राजी नहीं, क्योंकि अगर डिबेट करी तो मोदी जी की धोती जो है पूरी तरीके से खुल जाएगी, पोल जो है पूरी तरीके से खुल जाएगी। हमारे देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछना शुरू कर देगी कि आखिरकार आपकी डबल इंजन की सरकार यहां पर बैठ के क्या झकमरा रही है। जहां पर इतने बड़े इशू को पूरी तरीके से हमारे देश की मीडिया नजरअंदाज कर रही है, इग्नोर करने का काम कर रही है, आखिरकार किस तरीके से बिपरजॉय जो इस टाइम पर साइक्लोन आया हुआ है उसके ऊपर कवरेज करी जा रही है, अतरंगी कवरेज मैं इसको कहना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा रिपब्लिक भारत का ये अतरंगी वीडियो। भाई ये छाता लेके रिपब्लिक भारत की जो एंकर है ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बिपरजॉय तूफान में फंस चुकी है, जबकि ये नोएडा के एक स्टूडियो में बैठी हुई है। बिपरजॉय ऐसा लग रहा है गुजरात से ज्यादा नोएडा में आ चुका है इनके चैनल के ऑफिस के अंदर। ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं, गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है, और जो ये बिपरजॉय तूफान है इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहां पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा लैंडफॉल होगा तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए, और इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो काफी नहीं है। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, उल जलूल और नमूनेपन की पत्रकारिता की सारी हदें पार हो चुकी है। इनको बताना चाहूंगा टिकटॉक हमारे देश में 3 साल पहले बैन कर चुके थे मोदी जी, लेकिन इनकी टिकटॉक हरकतें अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, देखिए इसको भी। और इसी के साथ टाइम्स ऑफ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। टाइम्स नाउ
भारत, जिसकी एडिटर इन चीफ जो है स्वयं नविका कुमार है। जब एडिटर इन चीफ नविका कुमार होंगी तो चैनल पे तो कचरा ही दिखाया जाएगा ना। अभी इसके साथ जरा आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर बेपर जॉय, जिसका नाम मुझे बीजे पॉय जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, आखिरकार उसने कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है। एनडीटीवी तो बिक चुका है, लेकिन एनडीटीवी में अभी भी कुछ सच्चे और अच्छे पत्रकार बचे हुए हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम करे और ऐसे टिकटॉक वीडियोज नहीं बना रहे। Can be understood by these visuals that you are seeing over here. Till now, while we have been reporting from the Mandvi beach that is present in Mandvi, what has happened now is that the entire beach is underwater. We have come back almost 500 meters back. But despite that, now what you can see? क्यों आखिरकार हमारे देश की मीडिया ये सच्चाइयां दिखाने में फेल हो जाती है? चलिए ठीक है, आपके अंदर इतना बूता नहीं है कि आप गुजरात जा पाएं, आप ऑन ग्राउंड जा पाएं और बिपरजॉय के बारे में एक सच्ची कवरेज कर पाएं यहां पर, लेकिन कम से कम यहां पर टिकटॉक वीडियोस तो बनाना बंद कर दो। ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया भी इस टाइम पर बैठकर हंस रही होगी, जो अपने आप में काफी ज्यादा क्रिंज है। और यार मीडिया के पास कोई कम मुद्दे नहीं है दिखाने के लिए। मैंने आपको बताया कि मणिपुर में हालात काफी दिन से हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन एक बार भी मीडिया ने डिबेट करने का काम नहीं करा। उसके अलावा एक और न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है, जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में चलती हुई लड़ाई, आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें भी दो तीन बड़े अपडेट निकल कर आए, लेकिन गोदी मीडिया इसके ऊपर भी डिबेट नहीं कर रहा। अभी यही अगर हालत तमिलनाडु में चल रही होती या फिर कर्नाटका में चल रही होती ना, तो रूबिका लियाकत यहां 6-6 फुट की छलांगे मार रही होती। महाराष्ट्र से बड़ी न्यूज ये निकल कर सामने आ रही है, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। एक विज्ञापन छापा गया था एकनाथ शिंदे की शिवसेना के द्वारा, पर एकनाथ शिंदे ने यह दिखाया था कि बीजेपी बड़ा भाई है और शिवसेना इस टाइम पर महाराष्ट्र में छोटा भाई बन चुकी है। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर बीजेपी की हाई कमान जो है वो एकनाथ शिंदे से बहुत ज्यादा नाराज है और कभी भी उनको लात मारने का काम कर सकती है। अपनी स्क्रीन पर देखिए न्यूज 24 के माध्यम से ज्ञापन विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी आला कमान का कड़ा संदेश, शिंदे सरकार को दी लक्ष्मण रेखा पार ना करने की चेतावनी। यानी कि इस टाइम पर मोदी जो है वो एकनाथ शिंदे को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे की पनौतियां यहां पर लग चुकी हैं। आगे आपको दिखाना चाहूंगा, इसके ऊपर अपडेट और भी है। के मुताबिक शिंदे सरकार को केंद्रीय नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि लक्ष्मण रेखा पार ना करे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिंदे सरकार को देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की कोशिश से बचने को कहा गया है। बीजेपी की हाईकमान तो पनौतियां लगा ही रही है, लेकिन लंका यहीं पर थमने का नाम नहीं देती। आपको आगे दिखाना चाहूंगा एकनाथ शिंदे की कितनी भयंकर इस टाइम पर बेइज्जती हो रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मेंढक कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बन सकता, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये बीजेपी के एक सांसद ने एकनाथ शिंदे के ऊपर बोला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे को मेंढक कहा जा रहा है, ठीक है भाई, एकनाथ शिंदे हो सकता है तुम्हारे को ज्यादा पसंद ना हो बीजेपी के लोगों, बीजेपी के भक्तों, लेकिन कम से कम उसको मेंढक तो मत बोलो भाई यहां पे। मतलब इस टाइम पर सीन ये बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं ही एकनाथ शिंदे को रोस्ट करने का काम कर रहे हैं। कितने बुरे दिन आ गए एकनाथ शिंदे के यार। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो भी पहले ये बात बोल चुके हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर उनकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं है, उनकी बातें सुनी तक नहीं वहां पर जाती, और इस चीज के ऊपर एक नाराजगी भी वो लोग जता चुके हैं। अगर ये खबरें भी आप जोड़ करके देखें तो महाराष्ट्र में इस बात को पूरी तरीके से माना जा सकता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। सोचिए जरा कितनी बड़ी खबर है। ऐसा ही कुछ अगर तमिलनाडु में हो रहा होता या फिर कर्नाटका या फिर बंगाल में चल रहा होता तो क्या गोदी मीडिया इसको मिस करता? कतई भी नहीं। बढ़ना चाहूंगा अगली सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर की तरफ। कांग्रेस के एक हैंडल से एक वीडियो जारी करा गया जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। स्मृति ईरानी का ये वीडियो है। स्मृति चाची जो है लगातार अपनी पनौतियां लगवाने का काम करें। थोड़े दिन पहले उन्होंने कैमरे के ऊपर एक पत्रकार को धमकाने का काम किया था और आज एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर वो अपने ही क्षेत्र के लोगों को, जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, और किसी की समस्या हो तो आइए भाई, एक ही आदमी का साथ चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखकर बोल सकते हैं कि शायद स्मृति ईरानी यहां पर उस आदमी को रोकने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आदमी किसी और के मैटर में टांग अड़ा रहा है, लेकिन यार वो आदमी नॉर्मली बात कर रहा है, स्मृति ईरानी से झुककर बात कर रहा है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। लेकिन स्मृति ईरानी का एंगर और एरोगेंस देखिए किस तरीके से फूट फूट कर बाहर निकल रही है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका बुरा समय आता है ना तो इसी तरीके से आप उल्टे सुलटे काम करना शुरू कर देते हो। आप मीडिया को कैमरे के ऊपर धमकाना शुरू कर देते हो, कभी आप दूसरी तरफ जनता
गुप्ता को कैमरे के ऊपर धमकाना शुरू कर देते हो। इसी तरह जाते जाते अपनी आखिरी खबर के ऊपर आना चाहूंगा, बृजभूषण शरण सिंह। भाई पूरी मोदी सरकार इस आदमी को बचाने पर तुली हुई। आखिरकार क्या ऐसे राज है इस आदमी के पास मोदी सरकार के, मुझे पता नहीं। इनके तरफ से एक रिसेंट न्यूज निकल कर आई है जहां पता चला है कि नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। सोचिए अपने आप पे कितनी बड़ी ये बात है। एक बार को सोचिए कि कांग्रेस के किसी रूल स्टेट में इस तरीके की खबर सामने निकल कर आए तो हमारे देश की मीडिया, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का काम करेंगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हमारे देश की मीडिया इस खबर के बारे में चूं तक भी करके राजी नहीं है। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी अगर हमारे देश का मीडिया आज आवाज नहीं उठाएगा तो आखिरकार इसको दलाल बोलना तो छोड़ दीजिए भाई, ये तो देश बेचने का इस टाइम पर काम कर रहा है। इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर, खासतौर से वंदे भारत में जो मोदी जी ने झमाझम बारिश कराई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। इनफैक्ट बाकी की न्यूज के बारे में भी अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालिए। व्लॉग चैनल पे कल एक और अच्छा सा व्लॉग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैमिली वाला व्लॉग आने वाला है। तो अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी अपडेट्स को वहां पर देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन आपको पता है ना ये आपको करना है, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।